हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे मीठी चटनी, जो कि समोसे के साथ, ब्रेड पकोड़े के साथ, पकौड़ों के साथ खाई जाती है, जो समोसे वाले बेचते हैं वो चटनी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम गुड़ लिया है और 100 ग्राम इमली ली है। सबसे पहले हम जो है इस गुड़ को पकाएंगे। पानी डालेंगे इसमें। और इस इमली को हम पानी में भिगो के रख देंगे एक घंटे के लिए। बाद में हम बताएंगे क्या करना है। अब देखिए जो है थोड़ा उबल गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच में मिर्च डाल दी हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दी हूँ, एक चम्मच सफ़ेद नमक डाल दी हूँ और 1/4 चम्मच जो है हींग डाल दी। और इसको हम चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ में बना रही हूँ इस चटनी को। चीनी में भी बना सकते हैं। देखिए पक गया है। अभी हम इसको और पकाएंगे। और ये मैं अदरक का पेस्ट डाल दी हूँ और इसमें सॉल्ट का पेस्ट भी डलता है वैसे, पर मैं अदरक का डाल दी हूँ। अब ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, ये पानी में घोल लिया है एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, जो कि चटनी को थोड़ा गाढ़ा करेगा। ये डाल रही हूँ मैं इसमें और थोड़ा सा कलरफूड डाल रही हूँ एक चुटकी। और ये जो मैंने इमली भिगोई थी इसका पल डालूंगी अब मैं। अच्छी तरह छान लेंगे इसको, इसके पर्ल को इमली के। और इसको अब बनने देंगे थोड़ी देर और। लास्ट में मैं सौंफ डालूंगी, इससे सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने एक चम्मच सौंफ लिया, उसको पीस लिया। ये देखिए हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके बाय, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।